you an example, our Taylor series method. This method is used to solve a first order first degree differential equation. Okay, so we are having an example. Find the approximate value of y when x equals to 0.1. इसको हमको निकालना है, बाद में solution के बाद करेंगे. If dy/dx equals to x minus y square and given y is 1 when x is 0. So y is 1 when x is 0, ये हमारी initial condition होगी. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y of 0 equals to 1. इसका मतलब क्या होता है, y का value 1 when x is 0. Y of 0 equals to it is 1. ये हमको बाद में use करना है. So now, what we are having a differential equation as dy/dx equals to x minus y square. अब dy/dx का मतलब क्या होता है, it is what? Y dash. Okay. अब इसको हमके हम इसके successive derivatives निकालने हैं. Y double dash निकालेंगे, मतलब differentiating this equation with respect to the x. तो मुझे मिलेगा इज व्हाट, y डबल डैश. x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इसका डेरिवेटिव 1, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा इज व्हाट, 2y. और हम y को x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो दैट विल बी y डैश. dy/dx आएगा, dy/dx को हम नोट कर देंगे इज व्हाट, y डैश. क्लियर, x का डेरिवेटिव 1, y स्क्वायर का 2y और y का y डैश. उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, थर्ड डेरिवेटिव में 1 का डेरिवेटिव 0. उसके बाद माइनस टू हमने कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया है, वाई वाई डैश बचा. यहाँ पे दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन अगर रहते हैं प्रोडक्ट में, तब हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं डिफरेंशिएशन का. तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. यहाँ पे फर्स्ट हमने लिया सपोज वाई, और सेकंड का डेरिवेटिव वाई डबल डैश प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव इज व्हाट, वाई डैश. सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज जीरो, हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर. Now, जो भी हमने डेरिवेटिव्स निकाले हैं अभी थर्ड डेरिवेटिव तक, वहां पे हम अभी इन सब की वैल्यू निकालेंगे एट x = 0. सो आई विल पुट x = 0 हियर. पहले यहां पे x 0 प्रोडक्ट के, दिस इज 0, यहां x 0 प्रोडक्ट के, तो ये हो जाएगा y 0, y ऑफ 0 स्क्वायर. y ऑफ 0 इज गिवन टू अस, इट इज व्हाट, 1. तो 1 प्रोडक्ट किया, इट इज 1 स्क्वायर, दैट इज वी आर हैविंग विद माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज माइनस 1. सो वैल्यू ऑफ y डैश ऑफ 0 इज व्हाट, माइनस 1. उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ y डैश एट x = 0 इट इज -1. उसके बाद सेकंड डिफरेंशिएशन में निकाला हुआ है y डबल डैश = दिस क्वांटिटी, आई पुट x = 0 मींस y ऑफ 0 हो जाएगा, यहां पर y डैश ऑफ 0 हो जाएगा. सो y ऑफ 0, y डैश ऑफ 0, y ऑफ 0 इज 1, y डैश ऑफ 0 अभी निकाला -1, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, कैलकुलेट इट, इट कम्स आउट टू बी 3. ठीक है, उसके बाद y डबल डैश हम निकालेंगे एट x = 0, पुट x = 0 हियर, y 0 इज व्हाट, 1, y डबल डैश ऑफ 0 अभी निकाला हमने, y डबल डैश ऑफ 0 इज व्हाट, 3. y डैश ऑफ 0 भी हमने निकाला, y डैश ऑफ 0 इज -1, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा. ठीक है, द सब्स्टिट्यूट हियर वी हैव इट इज -8. तो ये जो हमने निकाली है डेरिवेटिव्स की वैल्यू एट x = 0, ये सब हम हमारे फार्मूले में प्लग करेंगे. वी आर हैविंग अ टेलर सीरीज फार्मूला, जस्ट रिमेंबर दिस वन, व्हाट इज द फार्मूला, y ऑफ x = y ऑफ 0 + x y डैश ऑफ 0 + x स्क्वायर / 2 फैक्टोरियल y डबल डैश ऑफ 0 plus x cube by 3 factorial y to minus of 0 plus so on. Now, I am putting all this value of nikala, y 0 to value 1, dv here, y dash of 0 to value minus 1, y double dash of 0 to value 3, and y triple dash of 0 to value minus 8. Simplify kar denge, 2 factorial kitna hoga, 2 factorial matlab is what, 2 into 1, okay, 2 into 1 is 2, 3 factorial is what, 3 into 2 into 1, that will be what, 6. So, you will have 1 minus x, 3 by 2 x square, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो सकता है, माइनस 4 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन. सो दिस वी हैव गॉट द सीरीज सॉल्यूशन बाय यूजिंग द टेलर सीरीज मेथड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = x - y स्क्वायर. दिस इज ओके. अब उसके बाद आपको बोला है कि फाइंड आउट द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0.1. तो हमारे पास तो वैल्यू ऑफ y मिल गया है, जैसे तो वैल्यू ऑफ y से और सीरीज सॉल्यूशन. सो वी हैव टू फाइंड आउट द y ऑफ 0.1, इसका मतलब x का वैल्यू प्लग करना पड़ेगा 0.1 हमारे सॉल्यूशन में. अप्रॉक्सिमेट सॉल्यूशन आपको बोला भी है कि फाइंड आउट द अप्रॉक्सिमेट वैल्यू. अब अप्रॉक्सिमेट सॉल्यूशन क्यों है ये, बिकॉज हमने सामने के टर्म्स कैलकुलेशंस में नहीं लिए है. हमने एक्स का वैल्यू कितना लिया, इट इज नॉट 0.1, इट इज वेरी स्मॉल. ओके, अगर मैं 0.1 का स्क्वायर लेता हूँ तो वो होता है 0.01, अगर 0.1 का क्यूब लेंगे हम दैट इज 0.001, और वही 0.1 टू द पावर 4 लूंगा मैं, दैट इज 0.0001, इट इज एप्रोक्सीमेटेड एट 0. मतलब इसके जो सामने के टर्म है 0 डिग्री के,
वो टेंस टू जीरो रहेंगे, ओके। तो फिफ्थ डिग्री का टर्म भी दैट विल बी टेंस टू जीरो और स्मॉल रहेगा, इसलिए हमने सामने के टर्म छोड़ दिए हैं, ओके। तो वी आर गेटिंग द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन नॉट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन बाय यूजिंग द टेलर सीरीज मेथड, क्लियर। सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द एग्जांपल बाय द टेलर सीरीज मेथड वेयर वी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एट x इक्वल्स टू 0 एंड यूज द फार्मूला सब्स्टिट्यूट द वैल्यू वी हैव अ सीरीज सॉल्यूशन। अगर आपको पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y निकालने का बोला है, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के ऊपर वैल्यू ऑफ y निकालने वाला पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के ऊपर, तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, पॉइंट 1 पे निकालने को सकता है, पॉइंट 2 पे निकालने को सकता है, अकॉर्डिंगली देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एज पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। थैंक यू।